दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि सीएससी के थ्रू यहाँ पर आईसीआई बैंक के अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं, तो जो कि आप जितने भी बीएलई हैं वो स्वयं से खुद ही अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो ये अकाउंट ओपन करने के लिए उनको जो सेटिंग वगैरह बताई गई हैं मोज़िला फायरफॉक्स की, वो सेटिंग आपको किस तरह से करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास कौन से हार्डवेयर होने चाहिए, डिवाइसेस होनी चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो मैं पूरा वीडियो यहाँ पर आप लोगों के लेकर के आया हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, यदि हम बात यहाँ पर करें कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो जो हमारे पास प्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं कि हम एक जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता है आईसीआई बैंक में करंट अकाउंट, तो उसके वह ये क्या होना चाहिए, शुड बी एन एक्टिव वेली ऑफ सीएससी। तो वो सीएससी का एक सक्रिय वेली होना चाहिए जो कि प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहा हूँ, और उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो 7 या इससे ज़्यादा का होना चाहिए, विंडो 8 हो, 8.1, 10 कोई भी हो, लेकिन विंडो 7 से ज़्यादा का होना चाहिए। अब साथ ही साथ ओनली दोज कैन ओपन सेल्फ करंट अकाउंट हु हैव इंटीमेशन फ्राम सी एस सी एच ओ बैंकिंग टीम टू ओपन ओवर करंट अकाउंट फॉर ICICIBC एक्टिविटी। इसका मतलब है कि सिर्फ वही लोग ये अकाउंट के ओपन करने के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों को सी एस सी की तरफ से इस चीज़ के लिए कहा गया है, मेल दी गई है या कोई SMS दिया गया है। अदरवाइज इसके अलावा बाकी लोग अपना अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो आईसीआई के बीसी एक्टिविटी जो है वो उनको तभी दी जाएगी जब सीएससी चाहेगी। इसके आगे बात करते हैं, शुड हैव हैंडी ओरिजिनल कॉपी आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद सीएससी। ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल या फोटो कापी आपके पास होनी चाहिए आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, और रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो भी आपके पास होना चाहिए। शुड हैव एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई एक बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, चाहे आपके पास मार्फो हो, मंत्रा हो या स्टारटेक हो, इनमें से कोई एक डिवाइस होनी चाहिए, हार्डवेयर की बात हो गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहने वाली है। अब ये इतनी चीज़ें हो गई, इनके होने के बाद अब आपके पास सबको करना क्या है, आपको पास आपको सबसे पहले तो आपको अपने जो मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र है उसको ओपन करना है, और ओपन करने से पहले भी आपको क्या करना है कि आपको ये जो भी आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है, चाहे वो मार्फो हो, मंत्रा हो या स्टारटेक हो, इन तीन में से कोई भी जो भी डिवाइस आपके पास है तो उस डिवाइस को इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप में। यदि आपने इंस्टॉल किया है बहुत अच्छी बात है, यदि आप करना नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियोज बनाए हैं जो कि मंत्रा, मार्फो, स्टारटेक वगैरह, इन डिवाइसेस से जो बायोमेट्रिक डिवाइस है इनसे रिलेटेड वीडियोज हैं, उनमें मैंने बताया कि आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से वर्क करते हैं, तो वो वीडियोज आप देख लीजिएगा जिससे जानकारी आप सीख जाएंगे। उसके बाद है देन यू नीड टू चेंज द सेटिंग ऑफ मोज़िला। इसके बाद आपको सेटिंग चेंज करनी है अपने मोज़िला जो फायरफॉक्स ब्राउजर है उसकी। अब क्या है वो सेटिंग, चलिए मैं आपको सीधा ब्राउजर में लेकर के चलता हूँ और ब्राउजर पर वो सेटिंग आपको समझा देता हूँ। अब जैसे कि हम यहाँ ब्राउजर में आ चुके हैं, मोज़िला फायरफॉक्स जो ब्राउजर है मैंने इस ब्राउजर को ओपन कर लिया है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप ऊपर आएंगे, यहाँ पर जो आपका जो ये तीन लाइनें जो दी गई हैं, इन तीन लाइनों पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इनमें कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, इन ऑप्शन में आपको एक, जी हाँ ये रहा ये पट्टी, इस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही साथ आपको आना है और क्लिक करना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ओके, चलिए हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर भी क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा नीचे आते हैं और हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर जो पॉप अप विंडो है उसे यहाँ पर इनेबल कर देना है, मतलब तो हमारे इस ब्राउजर के थ्रू पॉप अप जो है वो ओपन हो। तो जो ब्लॉक पॉप अप विंडो ये है इसको हमें अनटिक कर देना है। ओके, अनटिक करने के साथ ही साथ अब हमें फिर से जाना है हिस्ट्री में। यहाँ हम देखते हैं, ऊपर आएंगे और एड्रेस बार, और ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में रिमेंबर हिस्ट्री है, इसको ड्रॉप डाउन मेनू से हम उठाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे नेवर रिमेंबर हिस्ट्री। ओके, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा रीस्टार्ट फायरफॉक्स नाउ, तो हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। अब हमारा फायरफॉक्स जो है वो बंद हो चुका है और उसके बाद में ऑटोमेटिक दोबारा से लॉन्च होगा, तो हम तब तक इसको मिनिमाइज कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक कि हमारा फायरफॉक्स रिलॉन्च हो रहा है। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कुछ मोमेंट शुरू हो चुकी है,
फायरफॉक्स से रिलेटेड, और यहाँ पर फायरफॉक्स हमारा, और ये हमारा फायरफॉक्स ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन है वो रिलॉन्च हो चुका है। रिलॉन्च होने के बाद आपको जो लिंक दिए गए हैं इस ICI अकाउंट को ओपन करने के लिए, वो लिंक आप यहाँ पर एंटर करने के बाद इसको आप ओपन करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मैं अगला जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। फिलहाल हमें लाइक और शेयर करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।